Hello all, welcome to the video lecture series of Optical Communication. Subject code is REC075. I'm here, we are in lecture number 2. So, हमने इससे पहले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? हमने इसके पहले लेक्चर में बात की थी रिगार्डिंग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है और what are the basic components of optical fiber communication. या अगर मैं बात करूं तो simply we have studied a block diagram कि कौन कौन से कंपोनेंट हमारे पास ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में अवेलेबल होते हैं, लाइक ट्रांसमीटर है, देन मीडियम है, अंदर देयर इज अ रिसीवर एज अ ऑप्टिकल डिटेक्टर. ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अवर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, कि हमारे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का यूज जो हम कर रहे हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की जो बात कर रहे हैं उसकी क्या एडवांटेजेस हैं. एंड द सेकेंड थिंग जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज ऑप्टिकल स्पेक्ट्रल बैंड. ओके, कि ऑप्टिकल ट्रांसमिशन के लिए कौन सा बैंड या कौन सी वेवलेंथ यूज की जाती है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड यूज इन केस ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन. तो जैसा कि हमने पढ़ा, सबसे पहली एडवांटेज है इनॉर्मस पोटेंशियल बैंडविड्थ. इनॉर्मस पोटेंशियल बैंडविड्थ मीन्स, अगर आपको याद हो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ. अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, दैट इज सी बाय लैम्डा. ओके, सो अब अगर मैं लाइट वेव की बात करूं तो लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸. ठीक, अब अगर यहाँ वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जितना हम ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम बात करें तो बहुत ही थिन होता है, तो अगर उसकी वेवलेंथ लेंगे तो दिस इज इन सम टर्म्स ऑफ माइक्रोमीटर और नैनोमीटर, मींस मल्टीप्लाई बाय 10⁻¹ समथिंग. तो अगर ये -9 आपका ऊपर की तरफ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 10⁻¹⁷. राइट, सो ऑप्टिकल की जो वेवलेंथ है बहुत कम होती है और हमारी जो लाइट वेलोसिटी है बहुत ज्यादा होती है. दैट मींस हमें जो एक एडवांटेज मिलती है, वो एडवांटेज क्या मिलती है, ऑप्टिकल कैरियर फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ 10⁻¹³ to 10⁻¹⁶ हर्ट्ज. इतनी हमें हायर फ्रीक्वेंसी हमारा ऑप्टिकल फाइबर प्रोड्यूस कर सकता है. सो दिस मच ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी रीड्स अ फार ग्रेटर पोटेंशियल ट्रांसमिशन बैंडविड्थ एज कम्पेयर टू द मेटलिक केबल्स. जो हमारे मेटलिक केबल्स होते हैं उनके कंपेयर में हमारी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा प्रोवाइड होती है. दिस इज द वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ योर ऑप्टिकल फाइबर. देन द नेक्स्ट एडवांटेज इज स्मॉलर साइज एंड वेट. As we know, ऑप्टिकल फाइबर का जो साइज है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही थिन होता है, और अगर आप उसके वेट की बात करेंगे तो दैट इज टू मच लाइट वेट. सो अगर मैं बात करूं एक हैवी बल्क की बाहर केबल की, जो अगर हम मेटलिक केबल की बात करें तो दिस इज ऑल्सो हैवी इन वेट एंड ऑल्सो लाइक दे आर सो मच थिक. सो एज कम्पेयर टू दोज वायर केबल्स, हमारा ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो बहुत ही लो वेट और स्मॉल साइज होता है. ओके, सो फर्स्ट एडवांटेज हायर फ्रीक्वेंसी या पोटेंशियल बैंडविड्थ, एंड द सेकंड वन इज द स्मॉलर साइज एंड वेट. सिमिलरली द थर्ड वन सिग्नल सिक्योरिटी. नाउ द नंबर थर्ड इज सिग्नल सिक्योरिटी. अभी आप आगे पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा रिफ्लेक्शन के बेस पे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन जो आप आगे भी पढ़ने वाले हैं. सो अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर में बात करूं तो जब हमारा कोई भी क्या कहते हैं केबल है, चाहे मेटलिक है चाहे फाइबर है, तो जब यहाँ से लाइट प्रोपेगेट होगी तो सम ऑफ द सोर्स विल रिफ्लेक्टेड आउट फ्रॉम दिस वायर. ओके, बट ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर डज नॉट रेडिएट सिग्निफिकेंटली एंड दे प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ सिग्नल सिक्योरिटी. मीन्स ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आप लोग देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे रे थ्योरी, लाइट थ्योरी, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर रेडिएशन जो होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. तो दैट इज द ऑल्सो एडवांटेज ऑफ अवर ऑप्टिकल फाइबर. सिमिलरली नेक्स्ट इज लो कॉस्ट. अगर मुझे ये जो एडवांटेजेस मिल रही हैं हाई फ्रिक्वेंसी और यही सब चीज, अगर मैं अपने बल्कि अपने मेटलिक वायर में इसी एडवांटेज इसी पॉइंट को देखते हैं तो वहां पे आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी. बट इन कंपैरिजन विद द कॉपर कंडक्टर ऑप्टिकल फाइबर्स ऑफर द लो कॉस्ट लाइन कम्युनिकेशन. अगर मैं एक लाइन को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, एक मतलब वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मुझे कम्युनिकेशन करना है, आई विल प्रोवाइड अ लाइन वायर, लाइन वायर. ठीक है, तो वहां पे ऑप्टिकल फाइबर गिव्स मी अ वेरी लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वायर. देन अनदर एडवांटेज इज लो ट्रांसमिशन लॉस. ट्रांसमिशन लॉस, अब हम आगे लॉस को डिटेल में बात करेंगे, बट यहाँ पे लॉस की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने भी यहाँ रिफ्लेक्शन में बताया था कि सपोज मैं यहाँ पे कोई सोर्स आपकी यहाँ पे कोई वेव ट्रांसमिट हो रही है और यहाँ पे आपका रिसीव हो रहा है, दिस इज द रिसीवर एंड. ओके, सो अगर हमने यहाँ पे जो अभी जैसे सपोज अभी की बात हम करें, लाइक हम टेलीफोन पे कॉल करते हैं, वन पर्सन इज स्पीकिंग एंड अनदर पर्सन इज लिसनिंग, वन पर्सन इज स्पीकिंग एंड अनदर पर्सन इज लिसनिंग.
क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ आपको पूरी तरह से सुनाई देता है, नहीं, कुछ ना कुछ उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस होता है। सो अगर हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, सो दिस विल प्रोवाइड अ लो ट्रांसमिशन लॉस एज कंपेयर टू द मेटलिक वायर्स जिनसे हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो लिखा है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर हैव बीन फैब्रिकेटेड विद लॉसेस एज लो एज 0.2 डीबी पर किलोमीटर, यानी कि अभी आप इसे समझेंगे ये होता है डीबी डेसिमल यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लॉस, और पर किलोमीटर का मतलब है जब हमारा सिग्नल 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है तब उसके मैग्नीट्यूड में 0.2 डीबी का डाउनफॉल आता है। तो दिस इज अ मेजर एडवांटेज इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। एंड द लास्ट वन जो मैंने यहाँ पे बात करी है, इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, इसके अलावा आप देख सकते हैं देर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ योर ऑप्टिकल फाइबर, बट यहाँ जो हमने बात की क्वेश्चन में हम कितना अटेम्प्ट कर पाए उतनी ही मैंने यहाँ पे एडवांटेज डिस्कस करी है। तो दिस इज द लास्ट वन, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। लाइक ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम ग्लास और प्लास्टिक पॉलीमर विच आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। तो जनरली जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो या तो ग्लास से मिलकर बने होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, सो दैट्स वाई हमें वहां पे इलेक्ट्रिकल कोई शॉक नहीं लगता जो कि हमारे मेटलिक वायर में हमें प्रॉब्लम होती है। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अवर ऑप्टिकल फाइबर्स। व्हाट आर द एडवांटेजेस आई डिस्कस सबसे पहली चीज आपकी हायर पोटेंशियल बैंडविड्थ, ठीक है, पोटेंशियल बैंडविड्थ हाई बैंडविड्थ से आप याद रख सकते हैं। देन वी विल डिस्कस स्मॉल साइज एंड वेट। तो स्मॉल साइज एंड वेट की हमने बात करी है। देन सिग्नल सिक्योरिटी हमारे पास होना चाहिए, सिग्नल को सिक्योर रहता है, लो कॉस्ट है, लो ट्रांसमिशन लॉस है एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ अवर ऑप्टिकल फाइबर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल स्पेक्ट्रल बैंड। सो मींस कि हम कौन सा स्पेक्ट्रल बैंड यूज करते हैं फॉर अवर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। सो अगर मैं बात करूं ITU की, दैट इज इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, दैट इज ITU, सो ITU ने designated 6 spectral band for use in optical fiber communications from the range that is 1260 nanometer to 1675 nanometer region. This is the wavelength. Is wavelength ke andar aapka optical fiber communication designate kiya gaya hai by this international telecommunication union, that is called ITU. Okay, now this complete spectral band of 1260 nanometer to 1675 nanometer is further divided into 6 spectral bands. Just again, I'll write 6 spectral bands. So what are those spectral bands? These spectral bands are OESCLU. If you remember short, then OESCLU. Okay? These are the spectral bands. OESCLU. Okay? Then, यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई है कि अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल बैंड, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 1260 टू 1360, यानी 100 नैनोमीटर वेवलेंथ के अंदर आपका ये बैंड वर्क करता है। सो 1260 टू 1360। देन उसके बाद आएगा हमारा ई, इज कॉल्ड एक्सटेंडेड बैंड, जो कि ओ का ही पार्ट एक्सटेंड करता है, इसमें भी आपका लाइट वेव प्रोपिगेट कर सकता है, दैट इज अगेन 100 नैनोमीटर वेवलेंथ, दैट इज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1360 अप टू 1460। Then there's a short band. The next one is the short band. S means short. So short band is ranges from 1460 to 1530 nanometer range. After that, there's a conventional band mostly used for the optical fiber communication. That is 1530 to 1565. That is called C band. Then a long band ranges from 1565 to 1625. And then there's an ultra long band known as starting from 1625 to 1675. So, अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि डिफाइन द ऑप्टिकल स्पेक्ट्रल बैंड या व्हाट आर द डिफरेंट बैंड्स यूज्ड फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सो वी हैव राइट दीज 6 स्पेसिफाइड बैंड, दैट इज OESCLU स्टार्टिंग फ्रॉम 1260 नैनोमीटर टू 1675 नैनोमीटर रीजन। ओके, सो नाउ अब हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ दो क्वेश्चन कवर अप करे। वन इज द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, दिस इज द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन बेसिक ब्लॉक डायग्राम। बहुत बार इस पे क्वेश्चन उठता है और आपको बेसिक वही है, पूरे के पूरे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में वही बेसिक डायग्राम ही आपका यूज होना है। एंड सिमिलरली द नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस जो हमने यहाँ पे बात करी कि क्या एडवांटेज है ऑप्टिकल फाइबर की, एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द ऑप्टिकल स्पेक्ट्रल बैंड। सो आफ्टर दिस
You can easily write these two questions. What are the advantage of optical fiber communication and what type of bandwidth you have, what different bands used for our optical communication. ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है. नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दिस इज ऑप्टिकल वेवगाइड. ठीक है, ऑप्टिकल वेवगाइड. यहाँ पे आपने वेवगाइड पहले भी पढ़ा है बट हम ऑप्टिकल वेवगाइड की बात करेंगे और फिर इसमें किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, व्हाट इज अवर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्योरी, हम उसकी बात करेंगे. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड. तब तक के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट हो आप उस डाउट को मुझसे क्लियर कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. Okay, thank you.